थैंक यू सो मच टू कम टू माई चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ अकबर और बीरबल की, जिस कहानी से आपको ये पता चलेगा कि जो भी होता है हमारे लाइफ में अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जाओ सब्सक्राइब बटन, नीचे रेड कलर का बटन है, जा करके उस पर हिट कर दीजिए और सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया तो जाइए, उसके बाजू में ही नोटिफिकेशन बेल है, उस पर क्लिक कर दीजिए सो दैट जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ आप लोगों के लिए उसके अपडेट आपको मिलते रहे। ठीक है, तो बिना किसी का टाइम वेस्ट करते हुए मैं सीधा वीडियो पे आता हूँ। तो आज की इस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया, तो एक बार अकबर और बीरबल शिकार पे जा रहे होते, तो शिकार पे जाते वक्त अकबर का तलवार निकालते वक्त अकबर का जो है अंगूठा कट जाता है। अकबर पूरा बौखला जाता है, चिल्लाता है, ओ सिपाही हो आओ देखो मैं अपंग हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो वो वैद्य को लेके आता है। फिर उसके बाद वहाँ पे जो बीरबल होते हैं वो हंसने लगते हैं, वहाँ पे जो बीरबल है वो हंस रहे हैं और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए कि ये बादशाह सलामत को क्या हो गया, अकबर जी को क्या हो गया। और बीरबल जी है वो हंस रहे, तो अकबर कहते हैं कि आप हंस क्यों रहे हो। बीरबल कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है सर जी। तो वहाँ पे बादशाह को बहुत बुरा लगा, बादशाह काफ़ी गुस्से में थे और उन्होंने आदेश दिया कि सिपाही बीरबल को उठा करके कारागृह में डाल दीजिए। तो बीरबल को कारागृह में डाल दिया गया। अब अकबर को अकेले जाना पड़ा क्योंकि बीरबल तो अब कारागृह में, उनकी दवाई पट्टी की गई। और फिर उसके बाद वो, क्योंकि वो मन बना चुके थे, तो फिर वो शिकार पे गए। शिकार पे जाते वक्त एक हिरन के पीछे भागते वक्त जब वो नीचे उतरे और भाग रहे थे, वो उसी समय पे उनको कुछ आदिवासियों ने पकड़ लिया। अब आदिवासियों ने, क्योंकि वो अकेले थे और कुछ सिपाही थे, तो सिपाही पीछे ही छूट गए थे, तो अकबर को अकेले वो उठा करके लेके गए। और फिर रात को जश्न मन रहा था, पार्टियाँ हो रही थी कि आज सिपाहियों को पता नहीं थे कि ये बादशाह आए हैं और उन्हें फ़र्क भी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, जब उनकी बलि चढ़ रही थी वो सभी लोग इंजॉय कर रहे थे आदिवासी लोग, तो उनमें से एक आदिवासी ने कहा कि भाई ये अशुद्ध है, इसका अंगूठा देखिए। तो क्योंकि अकबर के अंगूठे में ऑलरेडी ये ना निशान था घाव का, इसलिए उन्हें अशुद्ध उन्होंने माना और उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। और कैसे ना कैसे अपनी जान बचाते हुए अकबर भाग करके कैसे ना कैसे अपने दरबार में आए। दरबार में आने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैंने बहुत गलत कर दिया, मैंने बीरबल को ये सज़ा दे दी, जो भी उसने कहा था सही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसी के वजह से मैं बच गया। तो फिर उन्होंने बीरबल को बुलाया और सेम बातें उन्होंने बीरबल को बताई। लेकिन बीरबल को जब वो बता रहे थे कि नहीं मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, अकबर जब बीरबल को बता रहे थे कि मैंने बहुत ज्यादती की तुम्हारे साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहता, तभी भी बीरबल कह रहे थे कि जो हुआ अच्छा हुआ बादशाह जी, आपने जो मुझे वहाँ पर भेजा वो बहुत अच्छे के लिए भेजा आपने। तो अकबर भी ये बात समझ में नहीं आई, अकबर कहे कि ऐसे कैसे अच्छा हुआ, तुमने तो सही बात कही थी, तुम्हारे वजह से तो मेरी जान बची है, वरना मुझे वहाँ पे काट देते, तो तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ। तो उन्हें के तो वहाँ पे बीरबल ने अकबर को कहा कि अगर आप मुझे कारागृह में नहीं डालते, तो आज मेरी बलि चढ़ जाती वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से अकबर को फिर समझ में अच्छा हुआ, मतलब जो भी हुआ वहाँ पे, बीरबल का कारागृह में जाना, अकबर का अंगूठा कटना, तलवार निकालते वक्त, ये सभी चीज़ अच्छे के लिए। उसी तरीके से गाइस, लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका हमारा कंट्रोल नहीं होता। कई बार आप कुछ अच्छा करने जाओगे, कुछ गंदी हैबिट्स में पड़ जाओगे, गंदी हैबिट से जैसे आप निकलोगे, फिर आप कुछ अच्छा करने जाओगे, प्रैक्टिस करो, हर एक चीज़ करो, फिर भी रिजल्ट नहीं आएगा। आपसे कम मेहनत करोगे लोगों को रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन वो आपका टेस्ट है, ये जो भी हो रहा है आपके साथ, ये सारी चीज़ें आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए और एक बहुत आगे ले जाने के लिए होगा। तो इस चीज़ को आप जल्द से जल्द समझ पाएँ, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप मुझे बताइएगा ये कहानी आपको किस तरीके की लगी, वीडियो को आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि कहानी कैसी लगी। अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और कोई अगर टॉपिक से तो आप मुझे बताइए। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।